हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिटेल्स कवर करने जा रहे हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। 6 डिफरेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की नोटिफिकेशन पीएचडी की हम यहां पर कवर करेंगे। 6 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की बेनिफिट ये होती है कि यहां पर फी, एनुअल फी, सेमेस्टर फी काफी कम होती है इन कंपेरिजन टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट कॉलेजेस। तो यहां पर एडमिशन लेना बेहतर होता है फी के हिसाब से। कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत फेलोशिप स्कीम्स भी होती है काफी सारी, तो फेलोशिप की भी प्रोविजन होती है। तो यहाँ पर 6 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में कुछ में से विदाउट नेट गेट सेट वाले कैंडिडेट भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे, जो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकेंगे। यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज में फेलोशिप भी अच्छी अमाउंट में अवेलेबल है। तो हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, मोस्टली क्या क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की, कहां पर फेलोशिप अवेलेबल है, क्या फेलोशिप अमाउंट है, और अगर हो सका पॉसिबल हुआ तो मोड ऑफ सिलेक्शन एंड सब्जेक्ट्स। आगे बढ़ते हैं, 1 by 1 6 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की डिटेल कवर करते हैं बेहद ही शॉर्ट टाइम पीरियड में। जो सबसे पहले नोटिफिकेशन हम कवर करने वाले हैं वो है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। सबसे पहले जाने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी क्या है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, एक यूनिवर्सिटी जो फुल्ली फंडेड होती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। राज्य सरकार पूरी तरीके से फंडिंग करती है स्टेट यूनिवर्सिटी की, इसके लिए ये प्राइवेट नहीं होती है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आप इसे बुलाते हैं क्योंकि गवर्नमेंट इसे फंडिंग करती है। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जो ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। अब यहां पर आप देख सकते हैं एडमिशन, इसकी ब्रोशर यहां पर दी हुई है, डिटेल ब्रोशर बहुत बड़ी है, 48 पेजेस की है। क्लोजिंग डेट है 21 जून 2021। स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर एडमिशन लेना अच्छा रहेगा। एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू यहाँ पर एडमिशन ली जा रही है। इसकी ब्रोशर हमने डाउनलोड की, 48 पेजेस की है, लेकिन इसकी अलग अलग पेजेस में अलग अलग डिटेल दी, मतलब सब्जेक्ट की डिटेल दी हुई है। तो आपको देखना होगा आपका सब्जेक्ट है या नहीं एग्जैक्टली, बट मैं यहाँ पर बता दूं कि क्या क्या बेसिकली क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशलाइजेशन है जिनमें पीएचडी ऑफर हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे मैनेजमेंट के हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के ब्रांचेस के लिए है, वोकेशनल स्टडीज, अप्लाइड साइंसेज में साइंस सब्जेक्ट्स में है, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स देखे मैंने, लॉ, जस्टिस, गवर्नेंस, बुद्धिस्ट स्टडीज, सिविलाइजेशन, तो काफी सारे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज में काफी सब्जेक्ट में यहाँ पर हो रही है। साइंस में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी, एमबीए के सब्जेक्ट्स है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, सभी सब्जेक्ट में पीएचडी हो रही है। एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आप यहां पर जीबीयूईटी एंट्रेंस टेस्ट, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकेंगे। पेज नंबर 40 पर कुछ फीस मुझे नजर आ रही है, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। यहां से शायद अलग अलग कोर्सेज के लिए फीस यहां से स्टार्ट हो गई होगी पेज नंबर 40 से, तो वो आप एक बार चेक कर लें। एप्लीकेशन फी मैं आपको चेक करके बताती हूँ। यह एप्लीकेशन फी होने वाली है एंट्रेंस टेस्ट जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपीज। पेज नंबर 48 पर दी हुई है ब्रोशर के, इंफॉर्मेशन बुलेटिन या ब्रोशर के लास्ट पेज 48 पर आप यहां पर ये एप्लीकेशन फी है गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के लिए। चलिए नेक्स्ट हम कवर करते हैं। नेक्स्ट हम कवर करने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, फुली फंडेड होती है स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें भी आई हुई है नोटिफिकेशन, यहां पर आप इसकी डिटेल ब्रोशर यहां पर दी हुई है, ये हम चेक कर लेते हैं। इस तरीके से वेबसाइट आपको नजर आने वाली है। तो यहां पर एडमिशन ब्रोशर है, इसको हम क्लिक करते हैं और सारी डिटेल कवर करते हैं। यहां पर कुछ फेलोशिप भी अवेलेबल हैं, जिनके पास जेआरएफ नहीं है उनके लिए भी यहां पर फेलोशिप अवेलेबल है। तो एक बार ब्रोशर चेक करते हैं। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर में एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो इसकी ब्रोशर जैसे ओपन होती है तो हम देखते हैं, ये इस तरीके से ब्रोशर ओपन हो रही है, काफी बड़ी ब्रोशर है, 81 पेजेस की इंफॉर्मेशन बुलेटिन है। तो यहां पर चेक कर सकते हैं फीस क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए ऑफर हो रही है पीएचडी। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर फेलोशिप भी अवेलेबल है, वो भी हम देख लेते हैं। इसकी ब्रोशर के पेज नंबर 17 पर आपको नजर आएंगी पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस स्कूल्स। तो क्या क्या है यहाँ पर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है,
बिजनेस, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, बिजनेस, एनर्जी मैनेजमेंट, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। अब यहाँ पर एक कैंडिडेट, यहाँ पर आप इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये भी देख सकते हैं। इन सब्जेक्ट में अगर आपको एप्लीकेशन डालनी हो तो यहाँ पर देखी जा सकती है कि कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू पीएचडी और फुल टाइम रजिस्ट्रेशन मस्ट हैव ऑब्टेन्ड मास्टर्स डिग्री, तो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, सीजीपीए में इन्होंने बात की है, या फिर आप बोल सकते हैं 60% मार्क्स होने चाहिए मास्टर्स डिग्री में, या फिर इक्विवेलेंट सीजीपीए 6.0, सीजीपीए ऑफ 6.75 ऑन अ 10-point स्केल, इस तरीके से। तो मास्टर्स डिग्री वाले कैंडिडेट बिल्कुल एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर भी फी हम चेक कर लेते हैं, फेलोशिप भी यहाँ पर कुछ है, वो फेलोशिप भी हम देख लेते हैं। अ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पीएचडी प्रोग्राम ऑन फुल टाइम रजिस्ट्रेशन बेसिस मस्ट हैव क्वालिफाइड नेशनल लेवल एग्जामिनेशन सच एज यूजीसी, सीएसआईआर, नेट और गेट इन कंसर्न डिसिप्लिन और शुड बी स्पॉन्सर्ड बाई ए। ओके, तो यहाँ पर नेट या गेट क्वालिफाइड होना चाहिए कैंडिडेट जो फुल टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं पीएचडी के लिए। तो जेआरएफ की रिक्वायरमेंट नहीं है, एसेंशियल नहीं है, बट यूजीसी, सीएसआईआर, नेट या फिर गेट यहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये पॉइंट आप ठीक से समझ लें यहाँ पर। नेक्स्ट, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर फेलोशिप भी है, असिस्टेंटशिप भी है, जो कि आपको पेज नंबर 29 में मिलेगी, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन या ब्रोशर 81 पेजेस की ब्रोशर में 29 पेज नंबर पर आपको पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप की डिटेल मिलेगी। तो जो नेट या गेट क्वालिफाइड है, जेआरएफ नहीं भी है, उनको दी जाएगी 25,000 पर मंथ 2 ईयर्स के लिए एंड 28,000 पर मंथ नेक्स्ट ईयर्स के लिए, एंड साथ कंटिजेंसी अमाउंट भी है पर ईयर दी जा रही है। तो काफी सारी फैसिलिटीज है, पेज नंबर 29 चेक कर लें। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के लिए क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन की 10 जुलाई 2021। नेक्स्ट हम कवर करते हैं नोटिफिकेशन तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी से। तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, इसकी लोकेशन है मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर भी एडमिशन नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम है, तो ये हम इसकी भी ब्रोशर चेक कर लेते हैं कि क्या डिटेल्स हैं। यहाँ इसके वेबसाइट पर ही आप देखेंगे, फ्रंट में, इस फ्रंट पेज पर दी हुई है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम जुलाई 2021। ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो एलाइड हेल्थ साइंस है, मेडिकल, बायोकेमिस्ट्री, एनाटोमी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, अप्लाइड साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, डेंटल साइंस, एजुकेशन, इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, फाइन आर्ट्स, जेनोलॉजी, मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजिकल एजुकेशन। यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, शेल फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो नीचे दी गई होगी। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू अपियर इन टीएमयू रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होगी एक, एंड इंटरव्यू भी होगी। कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड क्वालिफाइड यूजीसी नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, तो जेआरएफ जिन्होंने या स्लेट, गेट, टीचर फेलोशिप होल्डर हैं, इन सभी को, या एमफिल प्रोग्राम जिन्होंने की हुई है, उनको एग्जेम्प्ट की जाएगी रिटन टेस्ट से। बाकी कैंडिडेट को रिटन टेस्ट के थ्रू एडमिशन ली जाएगी। रिसर्च फेलोशिप के बारे में बताया जा रहा था, यूनिवर्सिटी ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एलिजिबल एंड डिजर्विंग रिसर्च स्कॉलर एज पर द रिवाइज पीएचडी ऑर्डिनेंस 2021 ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पर इसकी जो डिटेल है फेलोशिप के बारे में ये मेंशन कर रहे हैं, तो जरूर फेलोशिप भी अवेलेबल होगी। इंपॉर्टेंट डेट चेक करनी है, कैसे एप्लीकेशन डालनी है, यहाँ पर एप्लीकेशन फी है 2,000 रुपीज। तो ये मैं एक बात बता दूं कि ये एक माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है, जो कि मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में है, और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द कंप्लीटेड एप्लीकेशन फॉर्म 25 जून, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट July 10, 2021। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोटिफिकेशन है PDEU की तरफ से, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी की तरफ से। यहाँ पर भी जो जिस पेज पर है मैं, वहीं पर पीएचडी की सारी नोटिफिकेशन दी गई है। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं वो हम चेक करेंगे। पीएचडी है मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सोलर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन एंड
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है और कहाँ पर है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, जिसे पहले पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, अभी पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से कन्वर्ट करके इसे एनर्जी यूनिवर्सिटी में के नाम से बुलाया जा रहा है। ये ब्रोशर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ओपन हुई है पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी की, जो कि 16 पेजेस की है। यहाँ पर दिस इज ओनली यूनिवर्सिटी इन गुजरात, तो ये गुजरात में लोकेटेड है। ओनली यूनिवर्सिटी इन गुजरात ग्रांटेड विद ग्रेडेड ऑटोनॉमी बाय यूजीसी, एडमिशन रूल्स पीएचडी प्रोग्राम 2021। तो ये गुजरात में है, ये इतना समझ में आया। और दूसरी चीज ये, क्या सब्जेक्ट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, जिन्होंने नहीं सुनी वो बैक करके सुन ले। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में, परसेंटेज कितनी है एग्जैक्ट अगर आप इंटरेस्टेड है तो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट्स भी मैंने अभी जस्ट बता दिए, आप बैक करके सुन सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फेलोशिप है क्या नहीं है ये चेक करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप अवेलेबल है, देखिए फर्स्ट टू इयर्स के लिए 25,000 रुपीज पर मंथ है और थर्ड ईयर के लिए 30,000 पर मंथ है। द यूनिवर्सिटी ऑफर्स फाइनेंशियल असिस्टेंट फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज एज पर इट्स अवेलेबिलिटी इन द नेम ऑफ स्कॉलरशिप हु वुड क्वालिफाई। तो जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे मेरिट बेसिस पर, मीन सभी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, जो मेरिट बेसिस पर टॉप में आएंगे या उनकी जो भी क्राइटेरिया उसको फुलफिल करेंगे तो उनके लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको दी हुई है पेज नंबर 8 पर, 16 पेजेस की पीडीएफ है। इसकी क्लोजिंग डेट है 31 मई 2021, काफी नजदीक आ गई है इसकी क्लोजिंग डेट। इसको मैंने पहले भी कवर की है एक अपने नोटिफिकेशन में, तो यहां पर फिर से कवर अप कर रहे हैं। पीडीईयू 31 मई 2021, फेलोशिप अवेलेबल है, डिटेल्स आप देख सकते हैं बैक करके। नेक्स्ट है जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही होती है। अब यहां पर भी एडमिशन की नोटिफिकेशन है, एडमिशन 2020-21 में हम देख सकते हैं। तो इसकी ब्रोशर एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूँ कि इसकी जो पीएचडी की नोटिफिकेशन है वो अभी पीएचडी के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुई है, अगस्त के मंथ में स्टार्ट होगी। तो जैसे अगस्त के मंथ में इसकी नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन आती है सब्जेक्ट्स के साथ में, तो वो फिर से अपडेट करेंगे। फिलहाल इसकी ब्रोशर जारी की गई है जिसमें डेट्स दिए गए हैं अगस्त की, तो ये यहाँ पर शायद ब्रोशर, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में है, तो न्यू दिल्ली के कैंडिडेट्स, ये प्रोस्पेक्टस इसकी ओपन हो गई है, बट यहाँ पर एक बार चेक करते हैं हम। जब आप इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करेंगे 110 पेजेस की, 110 पेजेस की, काफी बड़ी है, तो यहाँ पर आपको नजर आएगी पीएचडी के लिए जो शेड्यूल जारी किया गया, डेट ऑफ नोटिफिकेशन, तो फॉर्म्स अवेलेबल हो जाएंगे 1 अगस्त 2021 से, और लास्ट डेट होगी सबमिशन की 25 अगस्त 2021। तो आपको जिन जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड है एप्लीकेशन के लिए, उनको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी कि 1 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। बाकी की डिटेल भी आ जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे जैसे ही इसकी डेट्स आएंगे। अब क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं ये सारे यहाँ पर शायद अवेलेबल हो, तो ये आप अभी फिलहाल मुझे नजर नहीं आ रहे, पर अगर एक बार आप चेक कर सकते हैं, 110 पेजेस की है। नेक्स्ट नोटिफिकेशन जारी की गई ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की तरफ से, तो ऑब्वियसली भुवनेश्वर मीन्स ओडिशा में है। ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर की ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको नजर आती है एडमिशन टू डॉक्टरल प्रोग्राम्स, तो इसमें है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिलहाल ये तीनों नजर आ रहे हैं मुझे, आप डिटेल्स के लिए चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट इन सीएससी गेट स्कॉलरशिप फ्रॉम एआईसीटी, ये फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए है, यहाँ पर भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दी हुई है डिटेल। ओडिशा डोमिसाइल फुल टाइम स्टूडेंट्स गेट इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप, जो ओडिशा के डोमिसाइल कैंडिडेट है उनको दी जाएगी फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर को। यूजीसी एंड अदर गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफर स्कॉलरशिप्स, तो ये दो टाइप के यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंसशिप अवेलेबल है। फिलहाल ये तीन सब्जेक्ट नजर आ रहे हैं मुझे, और भी बहुत सारी नोटिफिकेशन जारी की गई है, उनकी भी अपडेट आपको मेरे वीडियो उसमें YouTube चैनल पर मिल जाएंगी विद इन अ वीक। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, लिंक्स चेक कर लें, डिटेल्स खुद भी चेक करें और तभी एप्लीकेशन डालें। थैंक यू वेरी मच।